मैंने जांच करवाया सर, यहाँ से लेकर लखनऊ तक, उसमें ये पता चला कि सिंचाई विभाग की जमीन है, खेतवा खेतौनी में दर्ज हो गया इसका नाम सिंचाई विभाग का। ये फर्जी तरीके से कराया था, एसडीएम उसको निरस्त कर दिया सर। और उसके बाद मैंने कहा कि विद्यालय कैसे बनवा लिया फर्जी तरीके से, वो भी पता चला ये बीएससी ऑफिस से कि ये फर्जी है। वो कहे महाविद्यालय के नाम से कराए हैं, तो गोरखपुर मैंने फ़ोन किया तो वो कहा कि फर्जी हमारे द्वारा अगर हुआ होगा तो उसको कैंसिल कर देंगे, विभाग की ज़मीन है। तो अभी तो कुछ किए नहीं, विभाग वाले इधर उधर दौड़ा रहे हैं, सिंचाई विभाग का अधिकारी एकदम मिला हुआ है। ये मान्यता के संबंध में है, उसके विद्यालय संचालन के लिए चिट्ठी जारी की गई तो उसने सीबीएसई बोर्ड की मान्यता दिखाया कि हमारा विद्यालय सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, इसलिए वो विद्यालय चल रहा है। ये अभी प्रमाणित हो गया कि राजस्व विभाग ने दिया कि ये गलत तरीके से इंदिराज में अपना नाम करवा कर और विद्यालय संचालित कर रहे हैं, तो जब जमीन ही दूसरे की हो गई, सरकारी भूमि पर विद्यालय खड़ा करने का मामला अब हो गया है, ये इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये प्रकरण अभी अभी आप द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि जमीन दूसरे के नाम पर है, इस पर जो भी अपेक्षित कार्रवाई होगी वो की जाएगी।